उस्मान सरदार, एक फूर वालंस और शहनशाह रेनिकोस ने एक मुआहिदा किया है। उन्होंने वैश्यों से भरा एक बड़ा लश्कर तैयार किया है और उसका एक ही मकसद है। वो उस वक्त तक बाज नहीं आएंगे जब तक वो आपको और मुसलमानों को सरजमीन से निकाल नहीं देते। जो करना चाहते हो तुम कर लो, चाहे जितने बड़े लश्कर लाने हैं ले आओ। जरा जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन इसके लिए मुझे भेष बदल कर जाना होगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जाना चाहते हो? हाँ, यानी शहर जा रहे हैं। क्यों जाना चाहते हैं यानी शहर? एक बहुत ही जरूरी काम से। दरअसल उस्मान साहब ने सरदारान को बुलाया है। मगर आप सब तो काफी थके हुए लग रहे हैं। इस हालत में भी क्यों चले आए यहां? थके हुए जरूर हैं, लेकिन बुजदिल नहीं है। सही कहा, सही कहा। क्योंकि उस्मान सरदार ने बुलाया है, इसलिए आप यानी शहर जाएंगे। लेकिन मेरा असल सवाल यह है कि आप आए कहां से हैं? हम कपचक सरजमीन से आ रहे हैं। हमने रास्ते में कुछ घोड़े खोए, अब बस यही है। चक से? हा, कुमचक की सरजमीन तो बहुत दूर है। कितने दिन हो गए निकले हुए? 15 दिन पहले। हा, उस्मान सरदार ने जंग के लिए इतना पहले से नहीं कहा। हमने रास्ते में सुना
इसलिए उनके बुलाने से पहले आ गए। गजवा हमेशा होता है। अगर आपने इसके बारे में सुना है तो आप यहाँ क्यों हैं? या फिर आप जंग से डरते हैं? ओ, कैसे जानते हो ये? ये भी हो सकता है कि मैं खुद उनसे लड़ूं जाके, और इसीलिए यहाँ मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। खैर, ज्यादा देर आपको नहीं रोकूंगा। यानी शहर आप लोग पहुंचे, फिर मिलेंगे जिंदगी रही तो। इंशाल्लाह। अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहिए। चलो जल्दी चलो।